फ्रेंड्स जब हमने बात की एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड इंटेंसिव लिसनिंग की तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट फाइनली ट्यून्ड इनपुट एंड रफली ट्यून्ड इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इनपुट? सो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इनपुट? लैंग्वेज इनपुट है क्या सो लैंग्वेज इनपुट इज़ विथ स्टूडेंट हियर और रीड ठीक है उसको कहते हैं लैंग्वेज इनपुट हेयर और रीड या तो वो पढ़ रहे हैं या वो सुन रहे हैं उसे कहेंगे हम लैंग्वेज इनपुट अब जब हमने बात की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग की तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई उनकी डेफिनेशन बताई अब मसला ये है कि कुछ लोग जो इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं इन दोनों में समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है क्या फ़ायदा है इसका और अक्सर तो ये भी समझते हैं कि एक्सटेंसिव लैंग्वेज या लिसनिंग का कोई फ़ायदा नहीं बट ऐसा नहीं है ठीक है द मोर लैंग्वेज द स्टूडेंट हेयर और रीड द मोर अपॉर्चुनिटीज ही विल हैव फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज फॉर्म्स एंड देयर मीनिंग्स ठीक है ये इसका फायदा है जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपकी वकीबलरी इंक्रीज होगी उतने ज्यादा वर्ड्स आपकी वकीैबलरी में ऐड होंगे उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बोलने की सुनने की तो आपका फ़ायदा होगा इसमें आपकी uh, कहने की कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी on the other hand intensive listening is careful listening to short stretches of language the student tries to understand everything he hears its purpose is usually to highlight a structure or function which the student is learning theek hai usme wo ek khas specific मैसेज को सुन रहा है उसको रिसीव कर रहा है जो कि हाईलाइट फंक्शन है या स्ट्रक्चर है extensive listening is less careful listening टू लॉन्गर स्ट्राइचेज ऑफ लैंग्वेज बहुत बड़े बड़े फैलाव होते हैं उसमें से आप कोई जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा केयरफुल नहीं सुन रहे इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड टू हेयर इट्स परपज इज़ टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू एज मच लैंग्वेज एज पॉसिबल एक्सटेंसिव लिसनिंग इज़ मोर लाइकली टू बी फ्लाईयर टू द स्टूडेंट दैन इंटेंसिव लिसनिंग एक्सटेंसिव लिसनिंग में वो ज्यादा इंजॉय है करते हैं इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ता ठीक है एंड इंटेंसिव लिसनिंग कैन बी यूज टू डिवेलप और अल कम्प्रीहेंशन एक्यूरेसी ओके तो इसका क्या कनेक्शन है मैं तो फाइनली ट्यून इनपुट और रफली ट्यून इनपुट की बात कर रही थी उसमें ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैसे आ गए ये ऐसे आ गए मैं आपको बताती हूँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम गो थ्रू करते हैं दोनों की डेफिनेशन से फाइनली ट्यून इनपुट इट मैचेस टू लर्नर्स करंट कम्प्रीहेंशन लेवल्स एंड कनेक्टेड टू वर्ड दे ऑलरेडी नो focuses on conscious learning of a specific point the pronunciation of a word the contrast in the uses of two verb tenses new vocabulary useful social formulas next it controlled by the instructor or textbook author it used in the presentation stage of a lesson abham chalte the roughly tuned input ki taraf. It is more complex than learners' current proficiency and stretches the boundaries of their current knowledge. Focuses on authentic use of language in listening or reading passages. It used as is with minimal alternation by the instructor or textbook author. It used in the activity stage of the lesson. तो इनका ये ताल्लुक है फाइनली ट्यून्ड इनपुट है उसी उसको उसका ताल्लुक इंटेंसिव लिसनिंग के साथ है कि हमने कहा बहुत ही एक स्पेसिफिक सा जो मैसेज होता है शॉर्ट टाइम में होता है या स्पेसिफिक होता है जिसका हम एक एक वर्ड सुनते हैं उसका कनेक्शन फाइनली ट्यून इनपुट के साथ है क्योंकि वो एक एक कॉन्शियस लर्निंग है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है इन दोनों का एक ही मकसद है तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ऑन द अदर हैंड अच्छा इसमें जो है इट इज़ कंट्रोल बाय द इंस्ट्रक्टर और टेक्सट बुक ऑथर इसमें आपकी किताब या आपका जो इंस्ट्रक्टर है ये उसके कंट्रोल में होता है जबकि अगर ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए रफली ट्यून इनपुट को तो उसमें अथेंटिक जो मटीरियल है उस पर फोकस किया जाता है अथेंटिक और अथेंटिक की जो बात है वो भी हम करेंगे एट द एंड ऑफ इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आएगी फिर भी मैं आपको शॉर्ट से बता देती हूँ अथेंटिक मटेरियल का मतलब है जो आपकी टेक्स्ट बुक से हट के हो किसी और सोर्स से आप कुछ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं वो अथेंटिक मटेरियल होता है तो रफली ट्यून इनपुट में ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो जाएंगी इधर की उधर की तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बुक तक ही लिमिटेड रहें तो इसलिए उसमें कहा गया है कि वो ज़ाहिर है उसमें फैलाओ ज़्यादा उसमें स्ट्रेच ज़्यादा उसमें टाइम ज़्यादा ले रहा है आपको जो जिसकी आप बात सुन रहे हैं आपका स्पीकर जो है उस लिसनिंग में आप हर चीज़ को एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं आपके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है और उस लिसनिंग में जिसे हम रफली ट्यून इनपुट कह रहे हैं उसमें यह है कि आप आ, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई गुफ्तुआ है तो वाहिर है टू दी पॉइंट भी नहीं है स्पेसिफिक भी नहीं है और उसी को हम रफली ट्यून इनपुट भी कहेंगे या उसका कुनेक्शन एक्सटेंसिव लिसनिंग के साथ भी होगा आई होप ये आपको समझ आ गया होगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग आप सब अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता या आपको लगता है कि किसी पॉइंट में कोई कमी है तो अपना फीडबैक ज़रूर पॉइंट कराया करें थैंक यू